थर्मोडायनेमिक्स। टेस्ट कहाँ रे भाई? वो आया हूँ। हाँ सर आ गए। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ सर, नहीं पता था आवाज नहीं आ रही सर आपकी। क्या सर आवाज नहीं है। सबको नहीं पता क्या आपने इन्फॉर्म किया था सर? मैंने 4-5 को कॉल भी किया था, उन्होंने सबने कहा देख लिया है। कृष्णा ने भी कहा था देख लिया। कॉल करता हूँ सर। क्या? अपने अपने फ्रेंड को कॉल कर लो भाई, मैसेज तो कर दिया मैंने ग्रुप में। अनाउंसमेंट रोज चेक किया कर लो भाई, एटलीस्ट जब बोलता हूँ तब तो चेक कर लिया करो। हेलो। टाइम भूल जाते हो क्या? हेलो, हाँ सर। टाइम पता नहीं रहता है क्या? सर पर अभी तो 6 बजे ना, मतलब हम लोग हो चुके हैं ज्वाइन। पढ़ लिया इसके बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड मैग्नीट्यूड। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये बताइए, पहले एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ते थे, हम लोग लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है, फंक्शन है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, डीएक्स। और ये किसके बराबर होगा? एफ डैश एक्स लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि नहीं? लिखते एफ डैश एक्स लिखते हैं, ठीक हैं। है। और ये डी वाई बाई डी एक्स को, और एक और नाम है इसका, क्या नाम है? स्लोप, ठीक है। ये है इसका स्लोप, और ये क्या है वाई का फंक्शन का, क्या है ये? मैग्नीट्यूड। ये है मैग्नीट्यूड, ये है उसका, उसी मैग्नीट्यूड का स्लोप, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, और उसी वेक्टर का स्लोप क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये बताइए, अब उल्टा चलें तो
अगर स्लोप है तो उसको इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा? वेक्टर मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो धीरे से देखेंगे, आराम से देखेंगे। देखिए एक इक्वेशन है दैट इज y इक्वल्स टू कांस्टेंट c, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? थोड़ा सा मैं ग्राफ ग्राफ दिखाना चाह रहा हूँ आपको। यस y लाइन पे कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। दिस इज y एंड दिस इज x। अब यहाँ पे x का कोई फंक्शन ही नहीं है, y इक्वल्स टू c, x की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, y की वैल्यू क्या होगी? c। ऐसा ग्राफ बनेगा, ये हाइट क्या होगी? c के बराबर। ठीक है। अब मैं बोलूं y इक्वल्स टू mx प्लस c है, अभी c हो चुका है तो c नहीं लेते हैं, सपोज दिस इज p, y equals to mx plus p, ये कैसा बनता है ग्राफ? x equals to zero पे की वैल्यू कितनी होगी? e, x equals to zero पे p, x equals to zero पे p, और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, x पे कितना पावर है? एक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा कुछ ऐसा, x इक्वल टू जीरो पे ये है x एंड दिस इज y, x जीरो पे वैल्यू कितनी है y की? p। ठीक है, x बढ़ाते जा रहे हैं, y बढ़ता जाएगा, x पे कितना पावर है? वन, वन है, डैश नहीं है, वन है, x पे कितना पावर है? वन। यहाँ पे x का कितना पावर है? जीरो। किसी भी नंबर के पावर जीरो का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू a x स्क्वायर, ये ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। पैराबोला बनेगा ये। हाँ। पैराबोला अपवर्ड या फिर राइटवर्ड लेफ्टवर्ड? एक मिनट, x के दोनों तरफ की वैल्यू ले सकते हैं, अपवर्ड। x की वैल्यू प्लस रखो या फिर नेगेटिव रखो, y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, स्क्वायर है एक। तो ऐसा बनेगा। ठीक है, यस सर। अब मैं बोलूं y इक्वल्स टू x क्यू है, a x क्यू, ये कैसा बनेगा? सर डिपेंड करता है इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, मतलब दो इमेजिनरी और एक रियल है या तीनों रियल है? रियल है, रियल। हाँ तीनों रियल है तो सर तीन बार ये x एक्सिस को कट करेगा, तीन बार कट करेगा। नहीं सॉरी, y इक्वल टू x क्यूब ही है ना, ये तो जीरो से पास होता हुआ जाएगा और थोड़ा से एक जगह पे वो आएगा, पैराबोला जैसा बनेगा क्या, और फिर नीचे जाएगा ये। x की वैल्यू नेगेटिव लें तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी, यस सर, होगी तो नीचे जाएगा ये ऐसे। हां सर, ठीक है। और इसका स्टिफनेस सपोज यहां पे a की वैल्यू सेम है और यहां की a की वैल्यू सेम है, अगर मैं पैराबोला बनाऊं तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा स्टिफनेस जो एक्स क्यू की है वो ज्यादा होगी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, कॉल आ रहा है।
हेलो यस सर यस सर अच्छा कुछ लिखा मैंने दिखाई दिया ये इसका स्लोप क्या होगा थीटा एम एम की वैल्यू होगी ना ये क्या होता है स्लोप होता है टेन थीटा यस सर पढ़ें आप लोग ठीक है ये स्क्वायर नहीं है वन है और यहाँ पे मैंने जो स्टिफनेस जिसकी ज्यादा होगी मैं अगर मैं ऐसे बनाऊं तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर होगा या फिर कौन सा एक्स स्क्वायर वाला होगा एक्स स्क्वायर कौन सा है पैराबोला कौन सा होगा और क्यूबिक कौन सा होगा क्यूबिक फंक्शन कौन सा होगा फर्स्ट वाला फर्स्ट मतलब वाला उधर होगा से देखे बाय एक्सिस तो हाँ और सेकंड वाला क्या होगा पैराबोला तो थोड़ा सा पैराबोला स्टिफनेस का देखना पड़ता है कि एक्स क्यू कौन सा हो रहा है और स्टिफनेस जिसकी ज्यादा है वो एक्स क्यू होगा एक्स क्यू वाला स्टिफनेस क्यों ज्यादा है क्योंकि एक्स की वैल्यू थोड़ा भी रखें तो वाई की वैल्यू बहुत तेज बढ़ेगी ठीक है इसलिए ज्यादा है यस एक्स पे इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाले की कम होगी एक्स क्यू वाले की ज्यादा होगी ठीक है हमें इस पे ज्यादा इतना थोड़ा हल्का फुल्का देखना है इतना नोट्स उस क्लियर क्रिएट नहीं करना है मेरा नोट्स जो है और वीडियो साथ में देखना पड़ेगा ये वीडियो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है अनऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस किसको पहले पढ़ाया मैंने ये नहीं दिख रहा हुआ पता नहीं चल रहा तो वीडियो देखना पड़ेगा अगर नहीं समझ में आएगा तो ठीक है अच्छा उल्टा देखिए जरा जरा रिवर्स चलेंगे हम लोग आप लोग देख रहे होंगे एक्स क्यूब को ये जो फंक्शन है वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब ये क्यूबिक फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो कौन सा पावर का फंक्शन बन जाएगा अगर इस ग्राफ स्क्वायर इस क्या बन जाएगा 3x² 3x² मतलब पैराबोला बन जाएगा ऊपर वाला पैराबोला बन ठीक जाएगा है मतलब जब एक्स क्यूब फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका जो स्लोप होगा वो एक पैराबोलिक होगा ठीक है अब ये बताओ इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या बन जाएगा इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर टू लाइन है लाइन बन जाएगी एक्स सर ये जो टू ए होगा उसका स्लोप हो जाएगा जीरो से पास होती भी ठीक है जीरो से पास होती हुई क्योंकि सी है नहीं इसमें यस सर ठीक तो ये जो अभी पैराबोला का जब डिफरेंशिएट किया तो उसका जो स्लोप का इक्वेशन बनाएंगे वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन या फिर स्ट्रेट लाइन होगा उसका स्लोप हमें दोनों चीज देखना है मैग्नीट्यूड प्लस स्लोप अब ये स्लोप बताओ इसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस पी को तो क्या बनेगा वाई इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ओनली एम तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा हॉरिजॉन्टल ठीक है तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन है तो मतलब एक एक देखो यहाँ से एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन है फिर ये है एक स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन है अब स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो पैराबोला बनेगा पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे तो क्यूबिक फंक्शन बनेगा जस्ट अपोजिट क्यूबिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो पैराबोला बनेगा पैराबोला को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा विद अ स्लोप और इसी लीनियर इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन विद विद स्लोप किस कितना है इसका इसका जीरो स्लोप कितना है जीरो है जीरो यहाँ पे जीरो आपने डिफरेंशिएट किया y इक्वल्स टू m आ गया x के साथ कोई फंक्शन है कोफिशियंट है x का नहीं है इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका कोई कोफिशियंट ही नहीं है x के साथ तो इसका मतलब x का कोफिशियंट को ही बोलते हैं स्लोप x के कोफिशियंट है ही नहीं यहाँ पे ये दिख रहा है इस इक्वेशन में x का कोई कोफिशियंट है ही नहीं ये तो x जीरो है ये तो खुद ही वन है ठीक है तो इसका कोई कोफिशियंट नहीं है एक्स के एक डिग्री के साथ एक पावर वाले टर्म के साथ कोई भी स्लोप नहीं है इसलिए बोलेंगे ये जीरो स्लोप का लाइन है ये जीरो स्लोप का लाइन ये कांस्टेंट स्लोप का लाइन ये वेरिंग कांस्टेंट वेरिंग स्लोप का लाइन इसका स्लोप वेरी कर रहा है अभी देखेंगे लोग कैसे वेरी कर रहा है तो ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा अब देखते हैं हम लोग दो चीज देखेंगे हम लोग स्लोप देखते हैं फिर से देखते हैं स्लोप पहले ये बताओ मैग्नीट्यूड बताओ पहले वाई है ठीक है
और ये एक पैराबोला जैसा बना दिया मैंने, ठीक है, वाई और एक्स के फंक्शन है पैराबोला ये। इसकी जो मैग्नीट्यूड कैसे देखते हैं, वाई से, वाई एक फंक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड है एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। अब बताओ ये y x स्क्वायर का फंक्शन था, अब मैं बनाऊंगा dy वाई बाय डी एक्स का। अब ये कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा होगा विद अ कांस्टेंट स्लोप, ठीक है, विद कांस्टेंट स्लोप, ठीक है, इसी इसी फंक्शन का। अब ये बताओ यहां पे इस फंक्शन में, इस फंक्शन में x की वैल्यू बढ़ने पे स्लोप क्या हो रहा है, इसी फंक्शन बताना है, अभी मैंने ये नहीं निकाला है, ये हमें पता नहीं है अभी, सिर्फ ये देखना है ये वाला फंक्शन, ये वाला ग्राफ स्लोप क्या हो रहा है, x की वैल्यू बढ़ने पे इस कर्व कर्व का स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है सर, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन ये कर्व है तो इसका जो स्लोप होगा वो चेंज होगा, बट वो चेंज में दो चीज होती है, एक डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप, स्लोप कैसे देखते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो रफली, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये ऐसा बनेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसा बनेगा, हर एक स्लोप का एंगल देख लो, इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये थीटा इसका, यहाँ पे ये है थीटा, यहाँ पे ये थीटा, ये है स्लोप थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा थ्री इज ग्रेटर देन थीटा टू, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, मतलब स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मुझे उल्टा लिखना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था, थीटा वन इज लेस देन थीटा टू इज लेस देन थीटा थ्री, मतलब थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक्स के वैल्यू पे बढ़ने पे, मतलब स्लोप इसका इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इसका इंक्रीज कर रहा है, स्लोप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो ये बताइए ये है स्लोप की वैल्यू और ये है एक्स, यहाँ पे रखा हूं तो स्लोप इतना है, यहाँ पे है तो स्लोप इतना है, स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इस लाइन का स्लोप नहीं बोल रहा हूँ, लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है, ये है स्लोप, स्लोप की वैल्यूज है हर एक एक्स पे वैल्यू, इस कर्व का स्लोप नहीं बोल रहा हूं मैं, स्लोप की वैल्यूज है ये है, यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो है वैल्यूज मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड किसका है, जो वाई है, वाई कौन, यहाँ पे वाई की वाई एक्सिस पे कौन है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे एक्स की वैल्यू बढ़ने पे स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे इतना है स्लोप, यहाँ पे इतना स्लोप है, यहाँ पे इतना स्लोप है, लेकिन इस स्लोप का जो ग्राफ बन रहा है, ग्राफ बन रहा है उसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, थीटा है हर जगह, है कि नहीं, तो अब इसके बाद एक ग्राफ बनाओगे जब डी टू वाई बाई डी एक्स टू दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे और ये एक्स होगा तो ये बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, स्लोप का स्लोप है और हर एक पॉइंट पे थीटा है इसकी वैल्यू, तो बना दिया थीटा 0 डिग्री, ठीक है, नहीं अब इस कर्व का स्लोप 0 होगा ना, बट इस स्लोप की वैल्यूज क्या है, 0 हर जगह, कौन, अरे 0 कहां है, हां ये, हां ये इसकी वैल्यू ये, हां सर इसकी वैल्यू, अरे बात समझ में, ये क्या है, ये इसका स्लोप है, d2y/dx2 इज द स्लोप ऑफ dy/dx, dy/dx ऑफ dy/dx, ठीक है, स्लोप ऑफ स्लोप, स्लोप ऑफ स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, यहाँ से पता चल रहा है ना, इसके ग्राफ से, इसके ग्राफ से पता चल रहा है स्लोप की वैल्यू, स्लोप के स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है,
ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद भी पता चल रहा है। अब हमें आपको जब चेक करना है तो तीसरी चीज ये है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। चौथी चीज, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है कि नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। तीसरी चीज, नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है कि सॉरी नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है या नेगेटिव में पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हर चीज है, मैग्नीट्यूड के साथ भी है, स्लोप के साथ भी है। चलिए अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। अब देखो एक ग्राफ मैं ऐसे बनाया और एक ग्राफ ऐसे बनाया, ठीक है। स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब समझते हैं आप लोग, अभी लास्ट क्लास कल बताया था शायद थोड़ा सा। अगर वो 90 से कम है, एंगल 90 से कम है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ग्राफ, पॉजिटिव स्लोप। अगर लाइन आप ऐसे ड्रॉ करते हो, ऐसे ड्रॉ करते हो, स्लोप टेंजेंट जो ड्रॉ करते हो, टेंजेंट स्पर्शी रेखा, कर्व पे स्पर्शी रेखा किसी भी पॉइंट पे अगर ऐसे ड्रॉ करते हो, ये सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव थीटा है, ये सब थीटा ऐसे है। अगर यही ग्राफ, ये स्लोप है, ये जो टेंजेंट लाइंस हैं, ऐसे ड्रॉ किया और ये एंगल चेक कर रहे हैं हम लोग, तो ये सब नेगेटिव एंगल है। क्यों? जो एंगल हम लोग लेते हैं कैसे लेते हैं, इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लिया जाता है, अगर इधर से लोगे क्लॉकवाइज में तो उसको थीटा नेगेटिव में लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो थीटा लिया जाता है दैट इज द स्लोप, बट नेगेटिव स्लोप। अगर मैं बोलूं ये कर्व है ऐसा, अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसी कर्व में देखते हैं, चलिए देखिए इसका स्लोप देखना हमको x के रिस्पेक्ट में। x की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, फिर ये क्या हो रहा है, ठीक है। x की वैल्यू बढ़ाने का मतलब है हर यहाँ से, हर जगह से, मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, मतलब मान लो कि, अच्छा एक सेकेंड इसको मिटाते हैं, यहाँ पे नहीं, y एक्सिस जो है यहाँ पर है, जीरो यहाँ पे है, x की वैल्यू ऐसे बढ़ रही है। आप लोग दोनों का बताएंगे, बोलेंगे सब कोई, जैसा भी आपको आंसर लग रहा है। x की वैल्यू बढ़ाने पे ये कर्व है पहला और ये है दूसरा। मैग्नीट्यूड दोनों में, पहले वाले का मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड वन का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, क्या स्लोप का मैग्नीट्यूड ना, नहीं बेटा मैग्नीट्यूड सिर्फ वैल्यू बताना है, कर्व की बतानी है स्लोप की बतानी है, सर यूं पूछ रहा हूँ मैं, एक्सिस पे कौन है, वाई यानी कर्व की, वाई की बतानी है, हाँ वाई की बतानी है, दोनों y equals to fx है, ये कुछ और फंक्शन है, ये कुछ और फंक्शन है। वन का मैग्नीट्यूड मतलब y, वन का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, x की वैल्यू बढ़ाने पे, x की वैल्यू इंक्रीज करने पे कम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में हो रही है नेगेटिव में हो रही है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में हो रही है। अच्छा ठीक है, इसका बताओ दूसरे वाले का, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब स्लोप के लिए हमको स्लोप का कर्व नहीं बनाना है, ये नहीं कि dy / dx और x के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ बनाना है, हमें यहीं से पता चल जाएगा, इसी ग्राफ से, कैसे, टेंजेंट ड्रॉ करके थोड़ा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ये बताइए क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बताना है, अब टेंजेंट ड्रॉ करना है हर एक, यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट पे, एक यहाँ पे पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ कर लो, देखो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होगा, तो टेंजेंट सॉरी ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है,
कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव में? नेगेटिव में सर। नेगेटिव। सारा सारा मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ऐसे ऐसे 90 डिग्री से ज्यादा है, बोल सकते हो ज्यादा है, ये लाइन है तो ये 90 डिग्री से एंगल ज्यादा है ना। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू से एंगल चेक करूं तो, मतलब क्लॉकवाइज में चेक करूं तो 90 से ज्यादा होगा तो नेगेटिव स्लोप है वो, ठीक है। tan थीटा, अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन tan वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है, आती है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब दूसरे के लिए बताइए। ये तो नेगेटिवली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिवली डिक्रीज हो रहा है, ये बताओ। नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव गलत आंसर देना है, पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है। एक और करो, बनाते हैं। हेमंत, यस हेमंत, लैब में नहीं आते? हाँ सर, उस भी मैं राइडर कर रहा था। तुम मोबाइल देखने से हो रहा है क्या? नहीं सर, वो सर्दी गर्मी हो रही है ना, परसों कूलर चला के सो गया था। कोरोना से पॉजिटिव तो नहीं हो? नहीं सर, घर से तो बाहर निकल ही खा रहा हूँ। घर में रहते रहते भी हो जा रहा, सुन रहे हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो जा रही है सर, घर में रहने से तो कोई आ सकता है ना। अच्छा चलो, एक और ग्राफ बना रहा हूँ, तीसरा, थर्ड, फोर्थ, इसी एक्सिस पे, इसी मतलब इसी कोऑर्डिनेट में। मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरे का नेगेटिव, तीसरे का इंक्रीज हो रहा है। यस सर, और नेगेटिव में इंक्रीज, एक्स बढ़ाने पे इंक्रीज हो रहा है तीसरे का, वाई। हां सर, नो, अच्छा वाई की बात कर रहे हो क्या? नहीं, पहला वाई बताओगे ना इसमें? हां, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इन पॉजिटिव, पॉजिटिवली डिक्रीज हो रहा है। यस सर, फोर्थ का इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव, इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव में, ठीक है। स्लोप नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज, देखते हैं कैसे हो रहा है। पॉइंट्स ले लेते हैं एक्स को बढ़ाते हुए, यहाँ पे भी एक्स ऐसे बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे तो हर एक पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कैसे बढ़ेगा, ऐसे, ये मतलब थोड़ा सा ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये बना लेंगे ना आप लोग, रफली बनाना होगा आगे, मतलब सोचना होगा मन में, बनाना भी नहीं होगा, ये मन में ही सोचना होगा और आगे हमको बनाना होगा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पे तीसरे में, इंक्रीज हो रहा है बट नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इसमें डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिवली डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? ऐसे था पहले, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और क्या केस बन सकता है? अब देखिए ध्यान से, मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे बना रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेम टू सेम, एक ऐसे, एक ऐसे, और यहाँ पे एक ऐसे और एक ऐसे, ये है पांचवा, ये छठा, ये सातवा, ये आठवा, छह, सात, आठ, समझ में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में बना हुआ है ये, इसकी वैल्यू क्या हो रही है पांचवे वाले की? डिक्रीज हो रही है,
डिक्रीज हो रही है, हाँ मैग्नीट्यूड बताना है, इंक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड नेगेटिव में, नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है सर, नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है। अच्छा यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी वाई की, इंक्रीज, यहाँ पे मान लो माइनस टू है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी माइनस फाइव, तो मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, तो इसको ऐसे नेगेटिवली इंक्रीज बोलेंगे ना इसको, यस सर, डिक्रीज कैसे बोल रहे हो, नेगेटिव भी बोलोगे या डिक्रीज भी बोलोगे इसका मतलब, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव में है क्या ये, बात समझ में आ रही है, पांचवें कर्व में नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ठीक है, सिक्स में इंक्रीज हो रहा है और नेगेटिवली डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है, सेवंथ में, सेवंथ में सर नेगेटिवली इंक्रीज, इंक्रीज नेगेटिवली डिक्रीज, स्लोप बताइए जल्दी से, फिफ्थ का स्लोप तो कम हो रहा है, स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये रहा स्लोप, स्लोप हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिवली डिक्रीज हो रहा है, इसमें स्लोप यहाँ था, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे था, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिवली इंक्रीज, ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इंक्रीज, बहुत बढ़िया, डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव डिक्रीज, पॉजिटिव डिक्रीज, तो इतना कुछ समझना है आपको पूरा, और ये ऐसा नहीं कि नोट्स बनाना है इसका बहुत बड़ा, बस आपको अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है, घर पे बना के जितने भी करो बना सकते हो, डिक्रीज इंक्रीज कैसे हो रहा है, नेगेटिवली पॉजिटिवली सब, और पूरा दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है, पूरा दिमाग एकदम सेट हो जाना चाहिए कि ये ऐसा बनेगा, देखते ही बता दो कि इसका मैग्नीट्यूड और ये स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, क्योंकि अभी बता रहा हूँ कि इंटरकनेक्टेड है, पहला वाई, अगर मैं कोई फंक्शन है वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू, तो उसका एक्स स्क्वायर कैसा होगा, उसका एक्स कैसा होगा, उसका वाई इक्वल्स टू एम एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएट करने करते करते कैसा बनेगा, और उल्टा जस्ट इंटीग्रेट करते 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 कैसा ग्राफ बनेगा, डिक्रीज, जैसे मैं बोलूँ कि ये पैराबोला है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस सी, बहुत सारे फंक्शन है, आपने देखा होगा 2hx 2fy, ऐसे बहुत सारे फंक्शन आते हैं, तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पैराबोला कौन सा वाला है, ये वाला है कि ये वाला है, इसके लिए आपको एक फार्मूला निकालना पड़ता है, फार्मूला में रखना पड़ता है, तो ये हमको नहीं देखना है, हमें क्या करना है, हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है पहले से ही, अब आपको देखना है कि इसका जो स्लोप वाला बनेगा वो कैसा बनेगा, स्लोप कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसा बनेगा, या फिर मैंने एक बोला कि y equals to fx function of x square है, तो वो पैराबोला ऐसा वाला बनेगा कि ऐसा वाला बनेगा, मैंने बोल दिया दो पॉइंट है, दोनों बीच को मिलाना है, पहला पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाना है, फंक्शन आपको पता चल गया कि y equals to x square वाला है, तो आपको तो पता चल गया कि ऐसे मिला दो या फिर ऐसे मिला दो, स्ट्रेट लाइन तो नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है नहीं है, तो दो पॉइंट को मिलाने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो इस तरह से जाओ, या तो इस तरह से जाओ, या बीच में से जाओ, बीच में से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इक्वेशन में है पैराबोला का, अब इन दोनों में से आपको चूज करना पड़ेगा, इन दोनों में से कौन सा लूंगा, होगा तो कोई एक, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके पहले कौन था, कोई ग्राफ होगा जो एक्स क्यू होगा या फिर एक्स होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद ये मिलता है, ठीक है, तो एक्स का ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग था इंक्रीजिंग था, क्योंकि इसी से स्लोप का इंटरकनेक्शन है, इसका स्लोप क्या है, इंक्रीज कर रहा है एक्स पे, तो इसका स्लोप देख लो, चेक कर लो, इसका स्लोप क्या हो रहा है, कौन सा इंक्रीज कर रहा है, ये वाला नीचे वाला इंक्रीज कर रहा है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला सही है, इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे हमको इंटरकनेक्ट करना है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और अटेंडेंस दे दो,
और इसके आगे हम लोग आप कल से शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे, उससे पहले जो भी रिएक्शन फाइंडिंग, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम इक्वेशन और ये ग्राफ का आपको पूरा कंठस्थ हो जाना चाहिए, पूरा टिप पे आ जाना चाहिए। सर प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स आपने अभी तक दिए नहीं, फिर मैं धीरे धीरे उसमें डाल रहा हूँ, अभी आधा हो चुका है उसमें, देखियो सर टाइम ज्यादा चाहिए होगा, टाइम ज्यादा चाहिए, आज हो जाएगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि जो टेस्ट है मैं आगे दो तीन दिन आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं संडे के आगे, संडे के भी आगे, प्रेजेंटेशन के बाद। ठीक है, बट टॉपिक्स विल बी सेम, टॉपिक का कंटेंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि यूनिट सेकंड बढ़ता जा रहा है, यूनिट सेकंड में जहाँ तक पढ़ाऊंगा मैं वहाँ तक आएगा। ओके सर, ठीक है, यस सर, ओके, अटेंडेंस दे दी आप लोग, थैंक यू सर, यस सर, यस सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।